उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हजामत पर सियासत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। शनिवार को दोपहर तक सलमानी समुदाय के लोग जहां अनुसूचित जाति के लोगों के बाल न काटने की जिद पर अड़े थे, तो वहीं इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद वही लोग अब बैकफुट पर आ गए हैं। ग्राम प्रधान पति गुलाम गौस की माने तो अब किसी को किसी के बाल काटने में कोई एतराज नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा जाहिद सलमानी नाम। क्या काम करते हैं आप? बाल कटिंग का काम करते हैं। अरे कुछ दिन से यहाँ गांव में ये चल रहा था कि हम दलित तो अनुसूचित लोगों की ना सेब बनाएंगे ना बाल बनाएंगे, तो क्या हुआ उसमें? अब आप दुकानें खोल लिया हम तो फैसला हो गया बाल काटने हैं बाल काटने तो फैसला हो गया तो अब सबके बाल काटेंगे आप? सबके काटेंगे। अनुसूचित जाति सबके सबके काटेंगे सबके। नाम आपका? इशाक नाम है। सर यही रही थी कि अगर बाल्मीकि के बाल काटेंगे तो यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई नहीं कटवाएगा। अभी हमारे प्रधान जी ने कहा है कि अगर खोलो तुम दुकान, खोलने के बाद में कोई विवाद नहीं होगा और सुकून की ज़िंदगी रहेगी, पीपल थाने के अंदर कोई परेशानी नहीं आएगी। निर्णय यही लिया है कि सर अगर काटेंगे और फिर अगर कोई परेशानी आएगी तो फिर मजबूरी है। फिर किस तरह की परेशानी? परेशानी यही है कि अगर वाल्मीकि आएंगे और हिंदू मुस्लिम नहीं आएंगे तो फिर परेशानी पड़ेगी सर। बस यही पंजाबी और बनिए और पंडित भी नहीं आते हैं सर। अच्छा, तो आपका क्या वजह रही थी इसे धर्म से जोड़ के देखा जाता है या वजह यही है कि काम नहीं चलता? इसमें काम नहीं चलता सर। बस इनके आने इनके वाल्मीकियों के आने से नहीं चलता सर। यही बस तो अब जो बैठा हुआ आप मानेंगे उनकी बात? अब काटेंगे सर? काटने तो पड़ेंगे सर, कोई परेशानी नहीं है काटने के अंदर, काटने में कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों को कोई इतराज नहीं है? जी कोई इतराज नहीं है, जात बात से कोई इतराज नहीं है सर। बस यही है कारण ये था कि मतलब जब आप बाल काटते हैं ऐसे लोगों के तो मुस्लिम नहीं आते और ऊंची जाति के ऊंची जाति के हिंदू जाति नहीं आते हैं कि बनिए सरदार और भी हैं। क्यों नहीं आते? बस यही है कि तुमने इनके बाल क्यों काटे, हम नहीं आएंगे तुम्हारी दुकानों पर। आप मानते हैं छुआछूत की बीमारी गलत? हम तो नहीं मानते हैं, मगर बात अच्छी थोड़ी है। आप क्या एक मामला हुआ आपके यहाँ, सलमानी बिरादरी ने अनुसूचित जाति के लोगों के बाल काटने शेव करने से इनकार किया था, तो उसमें आपका क्या कदम है? आप दुकानें जो बंद थी दो दिन से अब खुल रही हैं? ऐसा है दो दिन से बंद थी, वाल्मीकियों में भी एक महिला मर गई थी उसकी भी वो थी, और जिसमें कि यह है कि अब गाँव में हमारे जो है बैठ के एक वार्ता हुई आपस में सब में होने के बाद में उसी वक्त शाम के समय दुकानें खुलवा दी गई कि अभी खोलो और सभी के बाल काटने का वादा कर लिया गया कि सबके बाल काटे जाएंगे, किसी में कोई छुआछूत की कोई किसी तरह की कोई वो नहीं है और ना यहाँ होती है और ना हुई है, पहले भी कभी नहीं हुई है। तो पता नहीं जना कहाँ से कुछ शरारती तत्वों ने बीच में लाकर ये मुद्दा रख दिया, ना तो इस तरह का था ही नहीं हमारे यहाँ, ना कभी भेदभाव था, ना है ना रहेगा आगे को भी, हमें ये उम्मीद है कि आगे को भी नहीं होगा। इससे पहले भी कभी इस तरह का भेदभाव नहीं हुआ, ये तो पता नहीं कहाँ से अचानक से ये भेदभाव हो गया, ना आज तक हुआ है और ना होने की उम्मीद है। अब कल से यह है कि सुबह ही दुकानें खुलेंगी, जो आएगा उसके बाल और शेप कटिंग होगी, कोई इस तरह का मतभेद नहीं होगा, ना कोई छुआछूत का वो होगा, सब सुबह का सवेरा निकलेगा तो ये मान लें कि आप यहाँ खुशियों का निकलेगा हर उसका, कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि अमन और चैन कायम रहे और ना यहाँ आज तक कभी इस तरह का वो हुआ है और ना होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना कभी किसी हिंदू मुस्लिम की कभी कोई भावना हुई है, ये पहली बार इस तरह का देखने मिला हमारे यहाँ, ना कभी आज तक हमने देखा ना हमारे कभी बुजुर्गों ने हमें बताया, पहली बार ये इतनी सी वार्ता हुई। अब इसमें जो है जो भी है इसे निपटा लिया गया, अब आगे किसी तरह की कोई भी वार्ता नहीं हो पाएगी। सबके बाल कटेंगे? सबके कल से बाल कटेंगे, किसी का कोई रोक ठोक कुछ नहीं। अनुसूचित जाति हो सामान्य जाति हो अनुसूचित हो कोई सी भी जाति हो सबके कटेंगे, कोई वो नहीं। जो एकदम फैसला लिया बैकफुट आए तो क्या किसी का दबाव था या एक वार्ता हुई ग्रामीणों में? नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं, ग्रामीणों में वार्ता हुई, बोले भाई ठीक है अब आप जो है किसी तरह का कोई वो नहीं है, हम चाहते हैं सबका होना चाहिए, सब एक समान है, हर इंसान के अंदर खून लहू एक है, कोई अलग अलग तो है नहीं,
इसलिए सबके साथ सबका विकास वो वाला केस है, सभी का वो होगा, किसी का कोई भी नहीं। सर मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में एक गांव में एक सैलून संचालक ने जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके बाल काटने से इनकार कर दिया है, क्या है पूरा मामला थोड़ा आपकी जानकारी। कल यहां पर कार्यालय में कुछ लोग प्रस्तुत हुए और उन्होंने ये बात बताई कि कोई व्यक्ति है जो उनके साथ भेदभाव कर रहा है। तो ये थाना भोजपुर का मामला निकला, वहाँ के जो सीओ साहब हैं और जो वहाँ के एसडीएम हैं, जिलाधिकारी मुरादाबाद से वार्ता करने के बाद उनकी एक संयुक्त टीम बना करके इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए बोला गया। यदि इसमें आरोप सत्य पाए गए तो जो इसमें भेदभाव करने से रिलेटेड सुसंगत धाराएं होंगी उनमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी इसमें ये जो ज्वाइंट हमने बनाई है टीम, इसकी आख्या आना शेष है। सत्रह जुलाई से सावन शुरू हो रहे हैं, जिसको लेकर मुरादाबाद में आज पुलिस ने कावड़ रूट पर ड्रोन कैमरे के साथ रिहर्सल किया, जिसमें संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई और मूवी रूट पर ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया जहां पर आने वाले कावड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। सावन माह प्रारंभ होने वाला है, जिसमें कावड़ लेकर लोग आएंगे जाएंगे। जो सेंसिटिव रूट है और जो उनके पास हैं जिससे वो हमारे कावड़ी भाई आएंगे जाएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए ये ड्रोन कैमरा उड़ाया जा रहा है, जिससे जो किसी की छत पे कोई ऐसी अवैध सामग्री ना हो, कोई अवांछित चीज़ ना हो जो समस्या क्रिएट कर सकती है। उसके हिसाब से और ये सुरक्षा के परिदृश्य में ये ड्रोन कैमरा उड़ाया जा रहा है। लगातार इस तरह का प्रयास रहेगा कि जिससे कांवड़ यात्रा सकुशल और सुरक्षित हो सके और कोई इस तरह की घटना न घटित होने पाए। सुरक्षा के लिहाज से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और बीच बीच में रेगुलर ये कार्रवाई की जाएगी। सर आज कहाँ से उड़ाएगा ड्रोन? ये कांट रोड पे उड़ाया गया अभी, और क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जैसे प्रमुख हमारे मंदिर हैं और जो दिल्ली रोड है और सिटी के अंदर का एरिया जहां से कांवड़िए जाएंगे और जहां जलाभिषेक करेंगे उसके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के ड्रोन उड़ाकर और कार्रवाई की जाएगी, जिससे कांवड़ की जो ये यात्रा चल रही है जलाभिषेक किया जाएगा, इसमें सुरक्षित उसको कराया जा सके। बरेली के साक्षी अजितेश प्रकरण और अमरोहा में एक महिला द्वारा सोशल मीडिया में वीडियो डालने के बाद एकाएक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब मुरादाबाद में एक प्रेमी युगल का वीडियो सामने आया है, इसमें वह अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ठाकुर द्वारा इलाके में प्रेमी युगल एसएसपी कार्यालय पहुंचे, वहां उन्होंने अपने परिवार से खतरे की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की। हमने कहा कि सर मैं और जूली शादी करना चाहते थे, हमने शादी कर ली है सर। आप पूरा फिर क्यों वीडियो क्या वायरल करी सर? हमने हमेशा हमें डर था सर, कभी कोई कुछ करना थे, हमने इसलिए वीडियो वायरल की थी। सर अब यहाँ एक साथ रहना चाहते हैं। अब तो तुम्हें किसी बात का कोई डर नहीं है? नहीं सर, अब कोई डर नहीं है, क्योंकि अब सर हम सब हमारे साथ हैं, ठाकुर द्वारा की पुलिस वाली पुलिस हमारे साथ है। पुलिस आपकी फुल मदद कर रही है? जी सर, हमें भी एक साथ रहना चाहते हैं बस। शादी कर ली आपने? जी सर शादी कर ली हमने, बाली गए हम दोनों। तो जान का खतरा बताया, क्या है पूरा मामला? एक बालिग युवती जिन्होंने अपने प्रेमी के साथ में शादी कर ली है, उसके बारे में पूर्व से थाने पर एक अभियोग परिजनों द्वारा पंजीकृत कराया गया था और दोनों पुलिस के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और उनके परिजनों को भी बुलाया गया है। आज जब पूछताछ उनसे की गई तो उन्होंने इस तथ्य से मना किया है कि उनको परिजन से किसी प्रकार का कोई खतरा है। फिर भी चूँकि ये प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया है, इसमें उनके परिजनों को भी हिदायत की गई है कि किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे कानून व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न हो, और उनको भी अवगत करा दिया गया है तथाकथित पीड़िता को भी कि जहां भी पुलिस की मदद की आवश्यकता होगी पुलिस सदैव उनकी मदद के लिए तत्पर रहेगी। अभी फिलहाल पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके बयान कराए जा रहे हैं और दोनों ही पुलिस के पास अभी
मौजूद। सर पीड़िता ने अपने परिजनों पर आरोप क्या लगाया था? परिजन गरीब तबके से हैं, मजदूर टाइप के लोग हैं, और पीड़िता के द्वारा बताया गया कि कोई उनको मिले थे जिन्होंने इंस्टिगेट करके ये वीडियो बनाई थी। ये उनके अपने मोबाइल से नहीं बनाई गई है, ऐसा आज पीड़िता के द्वारा बताया गया पुलिस को। सत्यता क्या है, पुलिस इसके बारे में अलग से छानबीन कर रही है। फिलहाल किसी प्रकार की सुरक्षा का जहां भी उन्हें कोई खतरा होगा, पुलिस सदैव उनकी मदद के लिए तैयार रहेगी। सर पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया? चूँकि इसमें अभियोग पंजीकृत है, नियमानुसार उसका जब पीड़िता आएगी तो उसका मेडिकल परीक्षण और बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष कराए जाने होते हैं, वो पुलिस विधिक जो कार्यवाही है उसको कर रही है। मऊ जनपद में दूरसंचार के खराब नेटवर्क, बरसात की वजह से टूटी सड़कों, जलभराव और खराब हो चुकी बिजली व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही अल्टीमेटम दिया कि अगर जनपद की दुर्व्यवस्था दूर नहीं की गई तो आने वाले समय में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। दिनों के बाद जिस तरह से समस्याएं निकल के आ रही है, बरसात का सीजन है, क्या क्या मांगे आप लोगों ने रखा है प्रशासन के सामने? मांगे तो विस्तार से जिलाध्यक्ष जी ने बता दिया आपको, और आपको ज्ञापन भी दे दिया गया, वही मांगे हैं। आगे और क्या रणनीति बना रही है कांग्रेस इस मुद्दों को लेकर? आगे बता दिए कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हो तो आंदोलन होगा, सड़कों पर धरना प्रदर्शन होगा। ठीक नहीं नहीं सर, अभी कांग्रेस के लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या है मामला सर, किसको प्रेषित किया? जिला कांग्रेस कमेटी जनपद मऊ के अध्यक्ष के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जो महामहिम राजपाल जी को संबोधित है। इसे महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेज दिया जाएगा। यूपी के मऊ में सीएमएन न्यूज की खबर का असर हुआ है। सीएमएन न्यूज ने मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट के सरकारी दफ्तरों में हुए जलभराव और कार्यालयों में आने जाने वाले लोगों की परेशानी को प्रमुखता से दिखाया था। सीएमएन न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद से जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने इसे गंभीरता से लेते हुए आज कलेक्ट्रेट में खुद पहुंचकर नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ मिलकर पानी के बहने के लिए वैकल्पिक नाले को खुदवाया, साथ ही नाले के अगल बगल के गुमटी और अवैध दुकानों को हटवाया। कलेक्ट्रेट में अवैध दुकानों के कब्जे और कूड़े की वजह से वहां के नाले जाम हो गए थे, जिसे जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने अतिक्रमण को हटवाकर नालों की साफ सफाई कराई। खुदवाया जा रहा है जो चारों तरफ से पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है और पानी के निकास के लिए सब व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ लोगों ने दुकान रख लिया था, डीएम सर का आदेश हुआ दुकानों को हटा दिया जाए और नाला खुदवा के पानी को बाहर निकाला। सर ये सर ये कौन सा क्षेत्र है और यहाँ का कौन कौन से विभाग के कार्यालय है? आप तहसील है और कलेक्ट्रेट है, आप जानते हैं यहाँ पर कचहरी भी है। जी सर सर, जो शहर में पानी इकट्ठा हो रहा था उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं आपके द्वारा? इंतजाम किए गए हैं, पंप लगाए गए हैं और पंप से पानी निकाले जा रहे हैं और बाहर चल ठीक। देवरिया के भटनी स्थित बहादुर यादव मेमोरियल महाविद्यालय में निबंध प्रतियोगिता और तहसील में टॉपर आए बच्चों को सम्मानित किया गया। इस दौरान भटनी स्टेशन अधीक्षक ने बच्चों को ट्रेन यातायात और उससे बचने का तरीका बताया।